जय हिंद स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स वी आर डूइंग चैप्टर नंबर 4 बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज एंड इन आवर लास्ट वीडियो वी हैव लर्न अबाउट कर्व्स। ओके, कर्व्स के बारे में हमने पढ़ा था एंड क्लोज फिगर ओपन फिगर। ठीक है, लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि क्लोज फिगर क्या होता है एंड ओपन फिगर्स क्या होता है। नाउ और नेक्स्ट टॉपिक इज एंगल्स। सो एंगल्स क्या होता है, हम अपनी डेली लाइफ में भी देखते हैं एंगल्स। एंगल्स टू रेज, किससे बना होता है एंगल? टू रेज से बना होता है। इस टाइप का अगर आपको फिगर दिखाई देता है तो हम इसे क्या कहते हैं? एंगल कहते हैं। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एंगल। द फिगर फॉर्म्ड बाय टू रेज, सपोज ए बी। ठीक है, एक रे हमारी हो गई ए बी एंड अनदर रे ए सी। सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एंगल? द फिगर फॉर्म्ड बाय टू रेज विद द सेम इनिशियल पॉइंट, जिसमें इनिशियल पॉइंट क्या होता है? रे का जो इनिशियल पॉइंट है, ए बी रे है और ए सी रे है, और दोनों का जो इनिशियल पॉइंट है वो क्या है? सेम इनिशियल पॉइंट है ए। सो दिस फिगर इज कॉल्ड एंगल। सो वी विल राइट डेफिनेशन हेयर। द फिगर फॉर्म्ड by two rays with the same initial point, initial point क्या है? same initial point A is called एन एंगल। सो द डेफिनेशन ऑफ एंगल इज द फिगर फॉर्म्ड बाय टू रेज, टू रेज से बना होता है एंगल विद द सेम इनिशियल पॉइंट, और उसका जो इनिशियल पॉइंट होता है वो क्या होता है? सेम होता है। ठीक है, ए बी रे और ए सी रे दोनों में क्या आ रहा है? ए पॉइंट आ रहा है। सो यहां पर जो एंगल बन रहा है वो क्या बन रहा है? इसे हम एंगल ए कहेंगे, या फिर हम इसे क्या कह सकते हैं? बी ए सी, एंगल बी ए सी। और किस टाइप से हम इसे राइट कर सकते हैं? एंगल सी ए बी, एंगल सी ए बी। अब इस टाइप की आपने शेप पहले भी देखी होगी। अब सपोज मैं यहाँ पर आपको कुछ ऑब्जेक्ट दिखा रही हूँ। यहाँ पर आपको ये क्या दिख रहा है? सीजर। सीजर जब इसे हम ओपन करते हैं, ठीक है, तो आपको दिख रहा है यहाँ पर ये क्या है? टू साइड्स आपको दिख रही हैं। ठीक है, ये इन्हें भी हम साइड या आर्म्स कहते हैं। ठीक है, एंगल के जो आर्म्स हैं यहाँ पर ए बी और ए सी है। इसी टाइप से यहाँ पर हम देख रहे हैं यहाँ पर एक एंगल बन रहा है। ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे? एंगल बन रहा है। इसे हम बढ़ा भी सकते हैं, ठीक है, एंगल इंक्रीज भी हो सकता है और इसे हम डिक्रीज भी कर सकते हैं। सो दिस इज एंगल और ये साइड और ये साइड, इन्हें क्या कहते हैं हम? आर्म्स कहते हैं या फिर साइड्स कहते हैं। ओके, अनदर एग्जाम्पल देखते हैं हम। यहाँ पर आपको ये बॉक्स दिखाई दे रहा है। ठीक है, अगर मैं इसे अभी, ये क्या है? बंद है। ठीक है, अब अगर मैं इसे ओपन करती हूँ, देखिए इसे हमने ओपन किया तो आपको क्या दिख रहा है? यहाँ पर एक एंगल, यहाँ पर सेम पॉइंट, इनिशियल पॉइंट दिस, ये क्या है? सेम पॉइंट। और ये जो है ये क्या बन गया? एंगल। ठीक है, तो हम डेली लाइफ में भी डेली क्या देखते हैं? एंगल्स देखते हैं। इस टाइप से हम एंगल, ये क्या है? जीरो डिग्री का एंगल हुआ, है ना, और एंगल को हम डिग्री में मेज़र करते हैं। ओपन किया, देन ओपन ओपन ओपन, और जब हम इसे बिल्कुल इस टाइप से ओपन करते हैं तो हम यहाँ पर देख रहे हैं 90 डिग्री का ये एंगल बन रहा है, ये परपेंडिकुलर आ गए। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड एंगल। इसी टाइप से अगर मैं अपने हैंड से भी एंगल, हैंड की पोजीशन अगर मैं इस टाइप से देती हूँ, ठीक है, ये जो मेरी हैंड की पोजीशन है, तो यहाँ पर भी हम क्या देख रहे हैं? एंगल फॉर्म हो रहा है। नाउ स्टूडेंट्स नेक्स्ट टॉपिक इज इंटीरियर एंड एक्सटीरियर ऑफ एन एंगल। ठीक है, एंगल के इंटीरियर एंड एक्सटीरियर पॉइंट्स हम किस टाइप से फाइंड करते हैं वो देखते हैं। यहाँ पर हमने क्या करा? एक एंगल ड्रॉ किया, ये हमने एक एंगल यहाँ पर ड्रॉ किया। ठीक है, सो ओ बी, दिस इज ओ बी साइड एंड दिस इज ओ ए, बी ओ ए, बी ओ ए एंगल हमने फॉर्म किया। नाउ यहाँ पर हमने एक पॉइंट लिया P, हेयर R एंड हेयर Q।
सो सबसे पहले हम देखते हैं इंटीरियर. तो यहाँ पर इंटीरियर पॉइंट्स क्या होता है, इंटीरियर पॉइंट्स ऑल दोज पॉइंट्स विच लाई इनसाइड द एंगल, ऐसे पॉइंट जो एंगल के बी ओ ए के इनसाइड हैं, एंगल के अंदर हैं, है ना. यहाँ पर बी ओ ए के जो इनसाइड हैं उन्हें बोलते हैं हम इंटीरियर पॉइंट्स या इंटीरियर ऑफ द एंगल. सो यहाँ पर पी क्या है, इंटीरियर पॉइंट. इसी टाइप से एक्सटीरियर ऑफ द एंगल, यहाँ पर एंगल है बी ओ ए और उसका जो एक्सटीरियर पॉइंट है वो क्या है, आर. तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं पी क्या है, इंटीरियर पॉइंट, इंटीरियर पॉइंट, ठीक है, ऑफ एंगल बी ओ ए. पी क्या है, इंटीरियर पॉइंट है ऑफ एंगल बी ओ ए. नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज आर. आर को हम क्या कहेंगे, क्या है ये, एंगल बी ओ ए के बाहर है, ठीक है, एक्सटीरियर है. तो हम लिखेंगे आर क्या है, एक्सटीरियर पॉइंट ऑफ एंगल बी ओ ए, ठीक है, एक्सटीरियर पॉइंट है आर. अब यहाँ पर पी हो गया, आर हो गया, अब कौन सा पॉइंट बचा, क्यू. क्यू बी ओ ए के ऊपर है, एंगल के ऊपर है, तो इसे हम लिखेंगे क्यू क्या है, लाई ऑन द एंगल, लाइज ऑन द एंगल बी ओ ए. तो यहां पर क्यू पॉइंट क्या है, लाई कर रहा है एंगल के ऊपर, ठीक है. सो क्यू इज लाई ऑन द एंगल बी ओ ए. नाउ स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं. नेम द एंगल्स इन द गिवन फिगर. हमें ये फिगर गिवन है ए बी सी डी, ठीक है, ये हमारे पास फिगर है. क्या है ये, क्वाड्रिलेटरल है, फोर साइड्स हैं इसमें. सो इसमें हमें एंगल्स बताने हैं. तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, ये क्या है, एक एंगल है. इसी टाइप से ए बी सी, ये भी क्या है, एक एंगल है, फॉर्म हो रहा है यहाँ से एंगल बी सी डी. सी बी और सी डी, ठीक है, ये टू रेज हो गई या साइड हो गई और यहाँ से एक एंगल फॉर्म हो रहा है. इसी टाइप से यहाँ पर भी एक एंगल फॉर्म हो रहा है. तो यहाँ पर हमें एंगल्स के नाम बताने हैं. तो फर्स्ट एंगल हम लिख सकते हैं डी ए बी, एंगल डी ए बी. नेक्स्ट एंगल ए बी सी. नेक्स्ट बी सी डी एंड सी डी ए. ओके, और शॉर्ट में भी हम इसे लिख सकते हैं एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी एंड एंगल डी. ओके स्टूडेंट. नाउ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर सेकंड इज इन द गिवन डायग्राम नेम द पॉइंट्स, ठीक है. सो इन द इंटीरियर ऑफ एंगल डी ओ ई, यहाँ पर हमें डायग्राम गिवन है. सो यहाँ पर हम देख रहे हैं एफ ओ डी एंगल है, ई ओ डी एंगल, ठीक है, एंड एफ ओ ई, ठीक है. तो यहाँ पर हमें थ्री एंगल्स दिखाई दे रहे हैं, एफ ओ ई, ई ओ डी एंड एफ ओ डी. सो यहाँ पर फर्स्ट है इन द इंटीरियर ऑफ एंगल डी ओ ई. सो डी ओ ई, डी ओ ई के इंटीरियर पॉइंट्स हमें बताने हैं. तो डी ओ ई का इंटीरियर पॉइंट क्या हुआ, ए. सो यहाँ पर आएगा आंसर पॉइंट ए, ए इंटीरियर पॉइंट बताना था हमने. तो हमने बताया पॉइंट ए इज इंटीरियर ऑफ एंगल डी ओ ई. ओके, नेक्स्ट बी पार्ट हम देखते हैं. इन द एक्सटीरियर ऑफ एंगल ई ओ एफ, ई ओ एफ मीन्स ये वाला जो एंगल है इसका एक्सटीरियर पॉइंट्स बताना है, ई ओ एफ के एक्सटीरियर पॉइंट्स बताना है. तो एक्सटीरियर हमें क्या दिख रहा है, सी दिखाई दे रहा है, ठीक है. सो सी हमने राइट किया, देन सी पॉइंट है, ए पॉइंट एंड डी पॉइंट, ठीक है. तो ई ओ एफ के एक्सटीरियर है सी, ए एंड डी. नेक्स्ट सी पार्ट देखते हैं हम. ऑन ई ओ एफ, ई ओ एफ पर, ई ओ एफ पर कौन से पॉइंट दिख रहे हैं हमें, एफ ओ बी एंड ई, एफ ओ बी एंड ई. ओके, सो दिस इज द आंसर.
सो नाउ स्टूडेंट्स विद द हेल्प ऑफ दिस वीडियो ट्राई टू सॉल्व एक्सरसाइज 4.3. ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू.